हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अभिलक्ष्मी। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो पुराने विंटर स्वेटर जो पड़े होते हैं, उसके लिए मैं बहुत ही अच्छे दो रीयूज आइडियाज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने यह जो एक विंटर कैप ली है और यह 8 उंगली को छोड़कर हमें यह कैप रखनी है। उसके बाद इस तरह हमें निशान लगाना है और अब मैं इसे सीजर की सहायता से कट कर लूंगी। और ये देखिए, अब इस 4 उंगली के बीच में जो हमारे बटन आ रहे हैं, इन्हें भी मैं निकाल कर अलग कर देती हूँ। इसे भी निकाल देती हूँ। तो ये देखिए, बटन को मैंने हटा दिया है और इसे हम कुछ इस तरह मोड़ेंगे, यानी कि हमें सीधी तरफ ही मोड़ना है कपड़े को। ये देखिए इस तरह। और यहाँ पर मैं पिन से अटैच कर देती हूँ इसे। और इसी तरह हमारा जो बैक पोर्शन है, उसे भी मैं कुछ इसी तरह कर दूंगी। और ये लंबाई हम ज़रूर चेक कर लेंगे कि हमारे यह दोनों पर्दे छोटे बड़े ना हो जाएं। तो इसी तरह मैंने पिन से अटैच कर दिया है। और उसके बाद ये देखिए, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हो गया है, इसे मैं कट करके अलग कर देती हूँ। अब दोनों फैब्रिक को इस तरह, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हटा दिया है मैंने। और अब इस तरह रखते हुए मैं यहाँ पर पूरे पर सिलाई लगा देती हूँ। और ये देखिए, मैंने सिलाई लगा दी है। और ये देखिए, अब यहाँ पर जो हमारी यह खुली हुई सिलाई है, यहाँ पर मैं सुई धागे से इस तरह सिलाई कर देती हूँ। सुई धागे से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर सिलाई दिखाई देगी जो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए हम यहाँ पर जो सिलाई करेंगे वो थोड़ी सी इनविजिबल करेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब ये देखिए, जो ऊपर वाली सिलाई है ना, तो इसे भी मैं सुई धागे से पक्का कर देती हूँ। हमारा यह जो पोर्शन है वह खुला नहीं रहेगा, यह भी बंद ही रहेगा, लेकिन दूर से देखने पर यह कुछ ऐसा लगता है कि जैसे यह खुला हुआ है। और अब इन जो हमने पिन लगाई थी उसे मैं अलग कर देती हूँ, और जो मैंने बटन हटाए थे उसे मैं इस तरह लगा देती हूँ। और ये मैंने लगा दिए हैं। और यह हमारी जो कैप है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हमारे पास जो कपड़ा बचा था, ये देखिए, जो हमारी स्लीव्स थी, अब मैंने ये 16 उंगलियां, और आप बड़ा भी कर सकते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरह अब मैंने केवल यहां दिखाने के लिए ऐसा किया है। हम इसे उल्टी तरफ करेंगे और देखो, मैंने इसे, देखिए मैंने इसे उल्टा कर लिया है, और इसी तरह नापते हुए, और अब मैं यहां पर इस तरह निशान लगाऊंगी। और अब हम इसे काटेंगे नहीं, पहले हम इस पर स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद ही हम काटेंगे। तो ये देखिए, मैंने स्टिचिंग कर ली है, और अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग कर देती हूँ। और उसी तरह हमारी जो दूसरी स्लीव्स है, उसमें से भी मैं इसी तरह एक और सॉक्स निकाल लूँगी। यह बनाने में बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं और वेस्ट फैब्रिक के बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। और इसे अब मैं सीधा कर लेती हूँ, और इसी तरह मैं दूसरे
सॉक्स को भी तैयार कर लेती हूँ। मैं आपको पहनकर भी दिखाती हूँ यह पहनने के बाद कैसे लगते हैं। ये देखिए, एक तरफ बटन एक तरफ आ रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह आ रहे हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें।